रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात ये कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म में दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर बदनाम करने वाले परमेश्वर के देखने में घृणित
औरों का अनादर करने वाले अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। अध्याय 2। सोहे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है? वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है क्लेश और संकट आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक की गवाही देते हैं, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुएओं को ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूं, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूरतों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में खबंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा यदि वो व्यवस्था को पूरा करे
तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि वो यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है। यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अध्याय 3। सो यहूदी की क्या बढ़ाई, अथवा खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो ये कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कितने विश्वास खाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वास खाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं। वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या ये कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? ये तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी की नाई में दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? और हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले, जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है? और कितने कहते हैं, इनका यही कहना है, ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, जिससे हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, कारण कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो मसीही पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करें, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और यीशु पर विश्वास करें, उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो, तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं,
वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हां, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। अध्याय 4। सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो ये धन्य कहना क्या खतना वालों के ही लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वो क्यों कर गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसके बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वो उन सबका पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरे और उन खतना किए हुओं का पिता हो, जो ना केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा ना इब्राहिम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका टालना भी नहीं। इसी कारण वो विश्वास के द्वारा मिलती है, कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। और वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, ना उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर उसने परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया।
और ये वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अध्याय 5। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लोह के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर के विषय घमंड भी करते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई इसलिए कि सबने पाप किया, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई जो उस आने वाले का चिन्ह है पाप ना किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बथेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें।
अध्याय 6। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीही यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीही पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीही यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए तुम परमेश्वर को सौंपो, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका परिणाम अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीही यीशु में अनंत जीवन है। अध्याय 7। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। सो यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की भी हो जाए
तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अव्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय है। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वो करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता। यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। निदान में आप बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। अध्याय 8। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि
हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर आधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है यदि वो देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है तो उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है
कि उसके पुत्र के स्वरूप में हूं, ताकि वो बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। अध्याय 9। मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं आप ही मसीही से शापित हो जाता। वे इसराइली हैं और ले पालकपन का हक और महिमाएं और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इसराइल के वंशज हैं वे सब इसराइली नहीं, और ना इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उनकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा, और केवल यही नहीं परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ऐसा को अप्रिय जाना। सो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। सो ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है
कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। सो तू मुझसे कहेगा, वो फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंधे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की? अर्थात हम पर, जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में वे उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशया इसराइल के विषय में पुकार कर कहता है कि चाहे इसराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशया ने पहले भी कहा था कि यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम की नाई हो जाते और अमोरा के सरीखे ठहरते। सो हम क्या कहें ये कि अन्य जातियों ने, जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की? अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इसराइली, जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे, किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। अध्याय 10। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है, जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो इसी कारण जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहराव में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु क्या कहती है ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से
यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें? और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें? जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की है? सुविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। फिर मैं कहता हूं, क्या इसराइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है कि मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियात के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इसराइल के विषय में वो ये कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। अध्याय 11। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इसराइली हूं, मैं इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलियाह की कथा में क्या कहता है? वह इसराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्य वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है। मैं ही अकेला बच रहा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं? यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। सो परिणाम क्या हुआ? ये कि इसराइली जिसकी खोज में है वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए हैं। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। सो मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं।
परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं कि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से चलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। और यदि कई एक डालियां तोड़ दी गईं और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं साटा जाऊं, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गईं, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए तू अभिमानी ना हो परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा, और वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस चलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो वे जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा ना मानने के कारण बंद कर रखा ताकि वो सब पर दया करे। हा हा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। अध्याय 12। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सदृश ना बनो
परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्य द्वाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्य द्वाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अध्याय 13। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो, आपस के प्रेम को छोड़
और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तेज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोहता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करो। अध्याय 14। जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिया करें या मरें, हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुओं और जीवतों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अतएव आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीही मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर, अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीही की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़, सब कुछ शुद्ध तो है,
परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाखरस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वो जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अध्याय 15। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करें, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बात पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीही यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, जिससे तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बढ़ाई करो। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीही परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की बढ़ाई करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उनकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर, हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। फिर यशायाह कहता है कि यिशै की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत हियाप करके लिखा है, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीही यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। सो उन बातों के विषय जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं मसीह यीशु में बढ़ाई कर सकता हूं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का ही आव नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन कर्म चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नेव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उनका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना
वे ही समझेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब मुझे इन देशों में और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब इस पानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट करूं, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा दो। अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं, क्योंकि मकिदुनिया और अख्या के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करें। अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। सो मैं ये काम पूरा करके और उनको ये चंदा सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस पानिया को जाऊंगा, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वो सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। 16वां अध्याय। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंखिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वो भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है। प्रिस्का और अक्विला को, जो यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपैनितुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंद्रोनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं, मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीह में हुए थे, नमस्कार। अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय, इस्तखुस को नमस्कार। अपिल्लेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तु बुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदियों को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं, उनको नमस्कार। त्रूफेना और त्रूफोसा को, जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिया पिर्सिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रुफुस को, जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता जो मेरी भी है, दोनों को नमस्कार। असुक्रितुस और फिलगोन और हिमस और पत्रुबास और हिमांस और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और उलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं।
और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तिमुथियुस मेरे सहकर्मी का और लूकियुस और यासोन और सोसी पत्रुस मेरे कुटुंबियों का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तृतीयस का प्रभु में तुमको नमस्कार। गयुस का जो मेरी और कलीसिया का पहुनाई करने वाला है उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई कवार्तुस का तुमको नमस्कार। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो उस सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य दक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन।